सर ऐसा है, हमारी मांगे एनपीए को लेकर है। सरकार ने एनपीए हमारा बंद किया हुआ है, मतलब आगे जो आगे वाली जनरेशन है उनका एनपीए बंद किया है, ठीक है ना। और हमारा 4/9/14 पहले से ही बंद किया हुआ है, तो उसके लिए हमारी मतलब मांगे जायज़ है। क्योंकि अगर हमारा एनपीए है तो हम नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम अंदर ही रहेंगे, मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम सेवा दे पाएंगे, ठीक है। अब जब एनपीए बंद कर देंगे तो मोस्टली आप बाहर प्रैक्टिस करने का रास्ता खुल जाएगा सभी के लिए। तो ये मतलब मोर ओवर पेशेंट्स के हित में है कि हमें एनपीए भी दिया जाए, ठीक है ना। और जैसे हमारे डॉक्टर्स के पास कोई प्रमोशनल चैनल नहीं है, तो इसमें यह है कि अगर 4 साल के बाद, 9 साल के बाद या 14 साल के बाद जो हमें इंक्रीमेंट मिलती थी, प्रमोशनल इंक्रीमेंट, वो सरकार देती रहे तो हमारे भी उसमें है और जनता के भी हित में है। सर हम तो हमारे शीर्ष नेतृत्व के हिसाब से चल रहे हैं, हमारा स्टेट वाले जो हमें बोलेंगे हम वो कंटिन्यू करेंगे। अगर वो बोलते हैं कि पेन डाउन स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी तो हम कंटिन्यू करेंगे। आगे वो जिस हिसाब का हमें बताएंगे, उस हिसाब का जो उनका मतलब होगा वो उस हिसाब से डिसाइड करेंगे, तो वो जारी रखेंगे। सर हम तो चाहते हैं मांगे जल्दी मानी जाए, मरीज ना प्रभावित हो। देखिए सर, ऐसा है कि ये चीज़ आज की नहीं है, पिछली सरकार में भी हमने किया था, पिछले साल भी हमने पेन डाउन स्ट्राइक की थी, कोविड के टाइम पे भी हमने अपनी सुविधाएं दी, सब किया था, ठीक है सर। उस वक्त भी हमें कमेटी, हाँ उस टाइम भी कमेटी बिठाई गई थी, कहा गया था, आश्वासन दिया गया था कि हम करेंगे, बट 1 साल हो गया कुछ नहीं हुआ है। उल्टा जब भी हम अपनी कोई बात रखते हैं, प्यार नीति से हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, अगले दिन हमें उल्टा ही जवाब मिलता है सुनने में। लास्ट टाइम हमने 4/9/14 की बात की थी कि स्टेल बंद कर दिया है, कि पे कमीशन आया था, वो हर बार मिलता है कि डॉक्टर्स को थोड़ा सा बेनिफिट होता है। अगर 4/9/14 मिलता रहेगा, एनपीए मिलता रहेगा, अगर डॉक्टर की सैलरी अच्छी होगी तो हम भी बाहर नहीं करेंगे, कोई प्रैक्टिस नहीं जाएगा बाहर करने के लिए, वो पेशेंट्स के लिए अच्छा है। ये डॉक्टर को प्रोत्साहित करना है जो नए डॉक्टर्स आ रहे हैं कि हम करें। आज भी अगर ओपीडी स्टार्ट होती है तो 6 बजे तक हम डॉक्टर्स यहीं होते हैं कि जो पेशेंट्स आए हैं उनको देख के जा रहे हैं। आप एनपीए बंद कर दोगे, हम 4 बजे चले जाएंगे, उसमें पेशेंट का नुकसान हो, हम नहीं चाहते कि वो चीज़ हो। ये इंक्रीमेंट कोई बहुत ज़्यादा नहीं बल्कि हल्का सा है, पर ये बेनिफिट करता है डॉक्टर को। एमरजेंसी ड्यूटीज हम दे रहे हैं उसको प्रभावित करता है ये। मोर ओवर जो हमारी एसोसिएशन कहेगी हम उसी हिसाब से चलेंगे। अभी तो उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ता से पेन डाउन स्ट्राइक है, उसके अब तक का अगर कुछ नहीं होता फिर जो हमें आदेश दिए जाएंगे हम वैसे किए जाएगा। बाकी जो एमरजेंसी सुविधाएँ हैं वो बर्खास्त नहीं की गई हैं, जो जैसे हैं वैसे ही चलेंगे।